यूपी के बुलंदशहर में साल के पहले दिन एक महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया। एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल से फॉरेंसिक नमूने लेने के बाद सब इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गए। ये तस्वीर है अनूप शहर कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर आरजू पवार की, जिन्होंने अपने किराए के मकान में आज देर रात चुनरी के फंदे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दरअसल सब इंस्पेक्टर आरजू अनूप शहर में किराए के मकान में रहती थी। वो करीब 7 बजे ड्यूटी से लौटती थी, लेकिन रात करीब 9 बजे तक जब महिला दरोगा खाना खाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली तो मकान मालिक कमरे पर गया। कमरे का दरवाजा बंद था। मकान मालिक ने खिड़की से अंदर झांका तो महिला दरोगा फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। मकान मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। एसएसपी ने घटनास्थल की वीडियो और फोटोग्राफी कराई है। वहीं पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा है, ये मेरी करने का फल है। आरजू मूल रूप से शामली जनपद की रहने वाली थी और वर्ष 2015 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुई थी। फिलहाल वो अनूप शहर कोतवाली में तैनात थी। संवाददाता अमित राणा। आज थाना अनूप शहर में तैनात महिला उप निरीक्षक कुमारी आरजू पवार नाम है, 2015 बैच की थी और उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास। आज अपने किराए के मकान में जहां ऊपर रहती है, नितिन शर्मा का मकान है, तीसरे मंजिल पर कमरा था जिसमें महिला उप निरीक्षक रहती है, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। मकान मालिक ने जब देखा कि बहुत देर से उनके फोन की घंटी बज रही थी और उठ नहीं पा रही थी, ये जांचने के लिए मकान मालकिन जो है ऊपर गई। उन्होंने दरवाजे को नाप किया, दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया, परिवारी लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दी। पुलिस के लोग आए और उन्होंने ऊपर जो दरवाजे के ऊपर शीशा लगा था कुर्सी लगा के वहां से देखा तो अंदर पंखे से लटकती हुई दिखी। तत्काल थाने की सूचना दी गई। एसपी साहब और अपर पुलिस अधीक्षक देहात जो इसी क्षेत्र में मौजूद थे तत्काल मौके पर पहुंचे। वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजे को खोला गया। दरवाजा तोड़ने के बाद कंधे पर लटकती हुई मिली और उन्हें तत्काल उपचार के हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया। और इनके बिस्तर पर पेन और कागज एक मिला जिसपे इन्होंने सुसाइड नोट को लाइन का लिखा था और अपनी मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार दर्शाया। फिलहाल इसमें और छानबीन अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनका फोन किसी लाट है तो नहीं पा रहा है, तो डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्लास में इन लोगों से बात की, लेकिन जैसा कि मकान मालिक ने बताया कि लगभग आधे घंटे से फोन लगातार बज रहा था और कुछ नहीं रहा था। साथ ही इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। वो भी शामली से रवाना हो गए हैं। शामली जनपद की मुख्य रहने वाली थी अविवाहित। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा ने कल देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला दरोगा किराए के मकान में रह रही थी और मूल रूप से जनपद शामली की रहने वाली थी, जो कि 2015 के बैच में यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी। महिला ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक महिला दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया गया है। कैमरामैन